हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योगेश फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। मुख्यतः गाइस, किसी भी वाक्य के तीन भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। दूसरा होता है वर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कारक। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक एक करके इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो लेक्चर है। और एक बात याद रखिए गाइस, इंग्लिश वही बोलेगा जो दिल से सीखेगा, जो दिल से मेहनत करेगा। अगर आप सभी लोग दिल से मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। डेफिनेशन देखिए, सब्जेक्ट का हिंदी में अर्थ होता है कर्ता, यानी कि जो काम को करे, किसी भी काम को करे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी काम को उस सेंटेंस में कर रहा हो। ध्यान से देखिए, इस डेफिनेशन को समझिए आप पहले, कि डेफिनेशन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर जो किसी काम को उस सेंटेंस में कर रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप कि आप सभी को इतना अंडरस्टूड है। आगे देखिए, एस यानी कि सब्जेक्ट, वी यानी कि वर्ब, ओ यानी कि अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो बचता है ना किसी भी सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं अदर वर्ड्स। गाइस, एस वी ओ, इसके बारे में आप आगे सीखेंगे। अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो किसी भी बुक्स में आप देखेंगे एस वी ओ, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ इसका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि सब्जेक्ट कौन सा है और उसे कैसे पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है, वह हमें सुबह से परेशान कर रहा है। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, ही हैज बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढने से पहले आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर जो किसी काम को उस सेंटेंस में कर रहा हो। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वह, यानी कि उसके बारे में। वह हमें सुबह से परेशान कर रहा है, और वह को यानी कि उसके लिए हम यूज करते हैं ही का, ठीक है। इस वक्त हम मान के चलते हैं कि वह एक लड़का है, तो हमने ही का यूज करा। अगर वह कोई लड़की होती तो हम सी का यूज करते। फिलहाल यहाँ पर देखिए, वह हमें सुबह से परेशान कर रहा है, तो हम वह, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही। यहाँ पर देखिए, हमारा सब्जेक्ट है वह, और वर्ब जो हमारी है परेशान करना, और जो अदर वर्ड्स हैं ना हमारे, वो है हमें सुबह से। अभी आपको ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक एक सेंटेंस को देखते रहिए धीरे धीरे करके, जब तक ये वीडियो लेक्चर एंड होगा ना, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगला है राहुल इज क्यूट, यानी कि राहुल प्यारा है। इसमें क्या सब्जेक्ट है गाइस, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर जो किसी काम को उस सेंटेंस में कर रहा हो। यहाँ पे क्या राहुल कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ राहुल के बारे में बताया गया है कि राहुल प्यारा है, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे भी तो हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है राहुल। अगला सेंटेंस देखिए, अमन इज अ नॉटी किड, यानी कि अमन एक शरारती बच्चा है। इस सेंटेंस में भी अमन कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अमन की एक स्टेट यानी कि उसकी एक अवस्था के बारे में बताया गया है, उसकी एक क्वालिटी के बारे में बताया गया है। जरूरी नहीं है कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी, हो सकता है कि क्वालिटी खराब भी हो, ये सिर्फ उसकी एक क्वालिटी है। अमन इज अ नॉटी किड, यानी कि अमन एक शरारती बच्चा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अमन। क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में हम बात करते हैं, या फिर जो किसी काम को कर रहा होता है उस सेंटेंस में। यहाँ पर हम अमन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में अमन हमारा सब्जेक्ट है।
अगला सेंटेंस देखिए, अजय इज प्लेइंग गिटार, यानी कि अजय गिटार बजा रहा है। यहाँ पर गिटार कौन बजा रहा है? अजय। यानी कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अजय के बारे में। यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन है? अजय। बहुत ही सिंपल है गाइस सब्जेक्ट को फाइंड करना। अगला देखिए, माई ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट, मेरा भाई एक ईमानदार आदमी है, या फिर मेरे भाई एक ईमानदार हैं, इस तरह से मैं आपको कहता हूँ, माई ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। इसमें क्या सब्जेक्ट है जरा सोचिए आप, अक्सर लोग इस तरह के वाक्य में कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं ब्रदर की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस है ना, माई ब्रदर, मेरा भाई, मैं माई ब्रदर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, राहुल एंड अंजलि आर माई फ्रेंड्स, यानी कि राहुल और अंजलि मेरे दोस्त हैं। इस सेंटेंस में देखिए गाइस, क्या मैं राहुल की बात कर रहा हूँ या फिर सिर्फ अंजलि की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं राहुल और अंजलि दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? राहुल और अंजलि के बारे में। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट भी तो राहुल और अंजलि है, क्योंकि मैं उन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट देखिए, मैं कहता हूँ मेरी मम्मी प्यारी हैं। इस सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट? मैं सिर्फ मम्मी की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी प्यारी हैं, ठीक है, अपनी मम्मी के बारे में मैं कह रहा हूँ, मेरी मम्मी, जो ये वर्ड है ना, यही तो मेरा सब्जेक्ट है। माई मॉम इज क्यूट, यानी कि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? माई मॉम। क्या सब्जेक्ट है? मेरी मम्मी, यही तो सब्जेक्ट है मेरा। आई होप कि आप सभी को अंडरस्टूड होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला देखिए, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एकवचनकर्ता और बहुवचनकर्ता, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं गाइस। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समझाया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। और एक बात और गाइस, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक को जाने बिना आप कभी भी सही तरीके से हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को भी आप आगे देखेंगे, फिलहाल इसे समझिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला हमारा है वर्ब, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले छोटा सा एक मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप बिस्तर पर लेटे हुए किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। किसी को याद करते समय हो सकता है कि आपके हाथ पैर स्थिर हों, आपके हाथ पैर न चल रहे हों, लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है ना, दिमाग तो काम कर रहा है ना, इसलिए याद करना भी एक क्रिया है गाइस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस, यानी कि किसी को याद करना। इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ वो काम है जिसमें आपके हाथ पैर प्रयोग में लाए जा रहे हों। क्रिया का अर्थ है कोई भी काम, फिर चाहे वो केवल दिमाग से ही क्यों ना किया जाए। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो भी एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है। आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब, वर्ब वो है जो हमें सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या फिर क्या काम कर चुका है, या फिर सब्जेक्ट क्या काम करने वाला है। या तो सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताएगा या फिर उसकी अवस्था के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस अवस्था में था, या फिर आने वाले समय में, भविष्यकाल में किस अवस्था में होगा। इस बारे में जो क्रिया है ना, वर्ब, इस बारे में हमें बताता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप कहते हैं राहुल खा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल। राहुल क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? वर्ब वो है जो हमें सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में बताता है। तो यहाँ पर राहुल क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। खाने को हम क्या कहते हैं? ईट। तो यहाँ पर राहुल तो मेरा सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? ईट।
इस सेंटेंस को आप बनाते हैं राहुल इज ईटिंग। यहाँ पर जो इज है ना, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं अभी फिलहाल मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। हमारी जो मुख्य क्रिया है ना वो है ईट यानी कि खाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल 10 साल का है। इस तरह से आप कहते हैं राहुल 10 साल का है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं राहुल इज 10 ईयर्स एज, या फिर इस सेंटेंस को आप कहते हैं राहुल इज 10 ईयर्स ओल्ड। एज की जगह पर आप ओल्ड का भी यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। क्यों? एज का यूज करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राहुल की आज की अवस्था है ना वो वर्तमान है, कि वो आज के टाइम में 10 साल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर एज का यूज करा है। और वर्ब से क्रिया की डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था कि क्रिया से हमें पता चलता है या तो सब्जेक्ट के किसी कार्य के बारे में पता चलेगा या फिर उसकी किसी अवस्था के बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है राहुल, कोई काम तो कर नहीं रहा है ना, सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है कि राहुल इस समय में, आज के समय में, वर्तमान में 10 साल का है। इसलिए तो मैंने इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है यहाँ पर। इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है यानी कि मुख्य क्रिया नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल 10 साल का था। इसको आप बनाते हैं राहुल वॉज 10 ईयर्स एज, या फिर आप कहते हैं राहुल वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर मैंने वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। इसका यूज करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल 10 साल का था। कब था? बीते हुए कल में। यानी राहुल के बारे में बात तो हो रही है लेकिन बीते हुए कल में वो 10 साल का था, ये मैं आपको इस सेंटेंस के थ्रू बताना चाहता हूँ। इसलिए तो मैंने यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल 10 साल का होगा। इस तरह से आप कहते हैं, इसको आप बनाते हैं राहुल विल बी 10 ईयर्स एज, या फिर आप एज की जगह पर ओल्ड का यूज करते हैं, आप बनाते हैं राहुल विल बी 10 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप कहते हैं। यहाँ पर मैंने विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में राहुल 10 साल का होगा, ये मैं आपको इस सेंटेंस के थ्रू बताना चाहता हूँ। राहुल की भविष्यकाल की जो स्टेट है ना उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आगे देखिए गाइस, क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को आप मेन वर्ब कहते हैं या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या फिर लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया के बारे में देखिए, मुख्य क्रिया के माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का पता लगता है किसी भी सेंटेंस में, जैसे हंसना, रोना, देखना, सोचना, याद करना आदि। इसकी डेफिनेशन को समझिए गाइस पहले। मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि हंसना, रोना, देखना, सोचना, याद करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, एक्शन होंगे, वो सभी एक कार्य तो हैं। तो इन सभी एक्शंस के बारे में पता चलता है हमें मेन वर्ब के थ्रू किसी भी सेंटेंस में, ये इसका सेंस है। मुख्य क्रिया को लेक्सिकल क्रिया या फिर प्रधान क्रिया भी कहा जाता है। आगे देखिए, मेन वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लिखी हुई हैं और इनकी हिंदी मीनिंग लिखी हुई हैं। इस पर एक नज़र डालिए। पहली फॉर्म है गो, जिसको हम कहते हैं जाना हिंदी में, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। अगली है मीट यानी कि मिलना, मैट मैट। कम आना, केम कम। एब्यूज गाली देना, एब्यूज्ड एब्यूज्ड। फाइंड कैच गेट कॉस्ट कट। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो स्क्रीन पर मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। आई होप अगर आप सभी इन फॉर्म्स को याद कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए, अगली क्रिया है सहायक क्रिया। जो वर्ब है ना दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया था। पहली होती है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, दूसरी है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन देखिए, सहायक क्रिया के माध्यम से ये पता लगता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था या स्थिति में है, यानी सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट वर्तमान में है, बीते हुए कल में है या फिर भविष्य में यानी कि आने वाले कल में होगा, उसकी एक अवस्था के बारे में पता चलता है सहायक क्रिया से। आप एग्जाम्पल देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राहुल 10 साल का है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राहुल। क्या राहुल कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, सिर्फ राहुल की एक स्टेट के बारे में बताया गया, एक अवस्था के बारे में।
राहुल इज 10 ईयर्स एज. यहाँ पर फिर से देखिए गाइस, मैंने इज का यूज करा, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करा. क्यों? इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो राहुल है ना 10 साल का है, यानी कि वर्तमान अवस्था में राहुल 10 साल का है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. और इस सेंटेंस को आप बनाते हैं राहुल इज 10 ईयर्स ओल्ड. एज की जगह पर आप ओल्ड का भी यूज कर सकते हैं. अगला सेंटेंस देखिए, राहुल 10 साल का था. राहुल वॉज 10 ईयर्स एज. यहाँ पर फिर से देखिए, मैंने वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करा. इसका यूज करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल 10 साल का था. कब था? बीते हुए कल में. यानी कि राहुल के बारे में बात तो हो रही है लेकिन बीते हुए कल में वो 10 साल का था, ये मैं बताना चाहता हूँ इस सेंटेंस के थ्रू. भूतकाल की, राहुल की एक स्टेट, यानी कि भूतकाल की एक स्टेट के बारे में पता चल रहा है इस सेंटेंस से. अगला है राहुल 10 साल का होगा. इसको आप बनाते हैं राहुल विल बी 10 ईयर्स एज. यहाँ पर मैंने विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करा. क्यों? इसका यूज करके मैंने आपको ये बताया कि आने वाले भविष्य में राहुल 10 साल का होगा. राहुल के पास मोबाइल होगा. राहुल विल हैव अ मोबाइल. मैंने यहाँ पर देखिए विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करा. क्यों? क्योंकि इसका यूज करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल के पास मोबाइल होगा. कब होगा? भविष्य काल में राहुल के पास मोबाइल होगा, इसलिए मैंने विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है. नेक्स्ट देखिए सहायक क्रियाओं के उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, वर्तमान की सहायक क्रियाएँ. इसको देखिए, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, ये वर्तमान की सहायक क्रियाएं हैं. भूतकाल की सहायक क्रियाएं यानी कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स, ये हैं वॉच, वर, डिड, हैड, हैड बीन, एटसेट्रा. भविष्यकाल की सहायक क्रियाएं यानी कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स, ये हैं विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन. आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कारक. इसकी डेफिनेशन देखिए, वह व्यक्ति, वस्तु या कुछ और जो सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या डेफिनेशन है? कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या कोई अन्य चीज़ हो सकती है जो भी सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था से अफेक्टेड होती है, यानी कि प्रभावित होती है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इंग्लिश में आप कहते हैं अ पर्सन, थिंग और एनीथिंग एल्स विच गेट्स अफेक्टेड बाय the action or the state of the subject, that is called object. Example देखिए, एक एक आपका concept clear हो जाएगा. पहला है मैंने film देखी, इसको आप कहते हैं I saw the film. यहाँ पर ये past का sentence है, इसलिए तो मैंने देखने के लिए यहाँ पर see की second form saw का यूज करा, S-A-W. यहाँ पर subject है I subject क्यों है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो लेक्चर में, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में बात हो रही होती है या फिर जो किसी काम को कर रहा होता है. फिल्म देखने का काम किसने किया? मैंने किया, यानी कि आई ने किया. आई सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? देखना. ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए सी की सेकेंड फॉर्म सॉ का मैंने यूज करा है. इस कॉन्सेप्ट को आप आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में समझ पाएंगे. यहाँ पर फिलहाल ये एग्जाम्पल देखिए, वर्ब है हमारी सॉ यानी कि देखना, ऑब्जेक्ट है हमारा फिल्म यानी कि मूवी. अगला एग्जांपल देखिए, अंग्रेजी टीचर विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखा रहा है. इस सेंटेंस में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, जरा सोचिए. क्या टीचर सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ पर टीचर की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर तो बात हो रही है अंग्रेजी टीचर की, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना इंग्लिश टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है. आइए देखते हैं, इंग्लिश टीचर इज टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, यानी कि अंग्रेजी टीचर विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखा रहा है. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टीचर. वर्ब है हमारी टीचिंग यानी कि सिखाना. पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, वर्ब वो होती हैं जितने भी एक्शन होते हैं ना, एक्टिविटीज़ होती हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, याद करना, सोचना, ये सभी वर्ब होती हैं जो भी काम कर रहे होते हैं. यहाँ पर सिखाने का काम हो रहा है, सिखाने को हम कहते हैं टीचिंग, इसलिए यहाँ पर टीचिंग हमारी वर्ब है. ऑब्जेक्ट है इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स यानी कि इंग्लिश और विद्यार्थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, मैंने मक्खी को मारा, इस तरह से एक सेंटेंस में आपके सामने कहता हूँ. सब्जेक्ट कौन है? मैं. क्योंकि काम किसने किया? मैंने किया. क्या काम किया? मारने का काम किया, यानी कि क्रिया. वर्ब क्या है? किल, यानी कि मारना. किसे मारा? मक्खी को मारा. कौन अफेक्टेड हुआ मेरे मारने से? मक्खी अफेक्टेड हुई ना, इसलिए तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो यानी कि फ्लाई, मक्खी है. देखिए, आई किल्ड द फ्लाई, इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, मैंने मक्खी को मारा. किसने मारा? मैंने. काम किसने किया? मैंने. तो सब्जेक्ट कौन है? आई.
वर्ब क्या है, किल यानी कि मारना, एक्टिविटी हो रही है ना, तो ये हमारी वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमने किल करा, मारा, तो किस पर असर पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा मक्खी पर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लाई। तो सिंपल तो है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना। अगला देखिए, राहुल अपने कपड़े धो रहा है, राहुल इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। सब्जेक्ट है इसमें राहुल, क्योंकि जो काम कर रहा है ना वो राहुल काम कर रहा है। वर्ब है वॉश यानी कि धोना, और ऑब्जेक्ट है क्लोथ्स यानी कि कपड़े। जब राहुल धो रहा है तो किस पर उसका असर पड़ रहा है, उसकी एक्टिविटी करने से, कपड़ों पर ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े। मुझे उम्मीद है गाइस आप सभी को आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।